हेलो क्लास, आज हम हिंदी में 16 चैप्टर पढ़ेंगे ना। 16 चैप्टर है तारों की पाठशाला। तारे पाठशाला जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना। ये एक कविता है, ठीक है। प्रायः कवि बड़ी रोचक कल्पनाएं करते हैं। कवि लोग जो है बहुत ही रोचक कल्पनाएं, रोचक मतलब इंटरेस्टिंग, हमें बड़ा मजा आता है कविता पढ़कर। यहां भी कवि ने एक मजेदार कल्पना को कविता में व्यक्त किया है। ये कविता भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को मजा आएगा पढ़ के, है ना। इसमें उन्होंने तारों को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के रूप में देखा है। तारे जो आकाश में हम देखते हैं ना, कवि उसको किस रूप में देखा है? बच्चों के रूप में। कैसे बच्चे? जो स्कूल पढ़ने जाते हैं ना, वैसे बच्चे। आसमान में कितने तारे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे। आसमान में बहुत सारे तारे हैं ना, और सब कैसे हैं? नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे। तारों को बच्चा कहा जा रहा है ना, स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी। इनमें कोई कल्लू होगा, कोई छोटा लल्लू होगा। इनमें से कोई कल्लू होगा, यानी कि किसी तारे का नाम होगा कल्लू और कोई छोटा बच्चा होगा उसका नाम होगा लल्लू, है ना। अंबर है इनकी पाठशाला। इसकी पाठशाला क्या है? अंबर यानी कि आकाश विद्यालय है। हर तारा है पढ़ने वाला, और पढ़ने वाला विद्यार्थी कौन है? हर तारा है ना, सभी तारे विद्यार्थी है। यहां पर अंबर इसकी पाठशाला है और सभी तारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। चंदा इनका मुख्याध्यापक, सातो सप्त ऋषि अध्यापक। इनका मुख्य अध्यापक कौन है? यानी हेडमास्टर चंदा है ना। और यहां के अध्यापक कौन है, यानी शिक्षक? सप्त ऋषि, सातो सप्त ऋषि अध्यापक हैं, ठीक है। मॉनिटर सबका ध्रुव तारा, जो ध्रुव तारा होता है वो मॉनिटर है। स्कूल में मॉनिटर होता है ना, उस तरह से तारों का मॉनिटर कौन है? ध्रुव तारा। चपरासी चमकीला तारा, और जो सबसे ज्यादा तारा चमकता है वो कौन है? वो है चपरासी, ठीक है ना। टिमटिम चलती सदा पढ़ाई, पढ़ते हैं सब तारे भाई। हमेशा टिमटिम टिमटिम करके पढ़ाई चलते रहता है। जब हम लोग आकाश में देखते हैं और तारे टिमटिमाते रहते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि सभी तारे भाई पढ़ रहे हैं, है ना। धूमकेतु इंस्पेक्टर आता, सब में कोलाहल मच जाता। जब इंस्पेक्टर आता है, धूमकेतु तारा जब इंस्पेक्टर आता है ना, तब सब में कोलाहल मच जाता है, यानी कि सब शोर मचाने लगता है। जब कोई तारा हो उच्छृंखल करता है कक्षा में हलचल। जब कोई तारा शैतानी करता है, चिंतन मतलब शैतानी करना, जब कोई तारा शैतानी करता है तो क्या होता है? करता है कक्षा में हलचल। वो शैतानी करने के बाद कक्षा में हलचल करने लगता है ना, मतलब बदमाशी करने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है? उसका कान पकड़कर गुरुवर कर देते कक्षा से बाहर। जब वो बदमाशी करता है तो गुरुवर जो है, यानी शिक्षक जो है, उसका कान पकड़ के कक्षा से बाहर करते हैं, क्लास से बाहर करते हैं। रोता वह किस्मत का मारा, हम कहते हैं टूटा तारा। जब उसको बाहर निकाल जाता है तो वो किस्मत का मारा हो जाता है ना, और रोने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टूटा तारा, है ना। जब देखते हैं ना ऊपर आकाश में कोई चिंगारी निकल के नीचे तरफ आता है तो हम लोग बोलते हैं देखो टूटा तारा, है ना। दिन में दिखना पढ़ते हैं ये, रात रात भर पढ़ते हैं ये। ये रात रात भर पढ़ते हैं, इसीलिए ये दिन में नहीं दिखाते हैं। दिन में कोई तारा दिखता है क्या? नहीं ना। तो ये रात रात भर पढ़ते हैं, इसलिए दिन में नहीं दिखते हैं। कभी घटा जब घिर आती है, इनकी छुट्टी हो जाती है। जब घटा घिर आती है, यानी कि जब आकाश में बादल छा जाता, रात में जब हम देखते हैं ऊपर और चारों तरफ बादल होते हैं, तो एक भी तारा नहीं दिखाया जाता है, यानी कि इनकी छुट्टी हो जाती है, है ना। और जब छुट्टी होती तब तो बच्चे तो रहेंगे नहीं स्कूल में, इसीलिए कहा गया है कि जब कभी घटा घिर आती है तो इनकी छुट्टी हो जाती है ना, जब बादल घिरता है तो इनकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। हमें मजा आया ना पढ़ के। इस कविता का कवि कौन है? ओम प्रकाश आदित्य। आप लोग याद रखे, है ना, इस कविता का कवि है ओम प्रकाश आदित्य, ठीक है। अब इस कविता को हम लोग फिर से एक बार लाइव में पढ़ेंगे, है ना। आसमान में कितने तारे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे। इनमें कोई कल्लू होगा, कोई छोटा लल्लू होगा।
अंबर है इनकी पाठशाला, हर तारा है पढ़ने वाला, चंदा इनका मुख्याध्यापक, सातों सप्तऋषि अध्यापक, मॉनिटर सबका ध्रुव तारा, चपरासी चमकीला तारा, टिमटिम चलती सदा पढ़ाई, पढ़ते हैं सब तारे भाई, धूमकेतु इंस्पेक्टर आता, सब में कोलाहल मच जाता, जब कोई तारा हो उच्छृंखल, करता है कक्षा में हलचल, उसका कान पकड़कर गुरुवर कर देते कक्षा से बाहर, रोता वह किस्मत का मारा, हम कहते हैं टूटा तारा, दिन में दिखना पड़ते हैं ये, रात रात भर पढ़ते हैं ये, कभी घटा जब घिर आती है, इनकी छुट्टी हो जाती है। आप लोग इस कविता को याद करेंगे, है ना, अपनी कॉपी में लिख के इसको याद भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका अभ्यास है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे और उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे, ओके।